अमृत महोत्सव मना रहा है। आज भारत ने बहुत विकास कर लिया है। हम गुलामी की जंजीरों को तोड़कर बहुत आगे निकल चुके हैं। हम जात पात ऊंच नीच और भेदभाव से बहुत आगे निकल चुके हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए, सब चंगा सी। दो भारत, हमारा भारत, तुम्हारा भारत, सबका भारत, अपना अपना भारत, सुनने वालों का भारत, सुनाने वालों का भारत, देखने वालों का भारत, दिखाने वालों का भारत, उछला भारत, निचला भारत। अच्छे से कर, अच्छे से ऐसे करेगा, तू ये करने के लिए पैदा हुआ है। अच्छे से कर, अच्छे से विशाल भारत, हाथी जैसा, फिर दांत भी दो, जमाने के एक और दिखाने के एक, मतलब के दो भारत, एक जो दिखता है और एक जो असल में होता है। धनिया, ए धनिया, तेरे बाबू कहाँ गए रे? घास काटने। घास काटने अभी से? धनिया के बाबू, ओ धनिया के बाबू, क्या हुआ, तुम भूल गए क्या? पंडित जी क्या जाना था ना सवेरे? बढ़िया जा, और क्या, भेंट भेंट लेके जाओगे? नहीं, ये घास भेंट के लिए है। और क्या, तू जा अपना काम कर, उनको बैठाएगी कहाँ? ये सोची अपनी खाट पर बैठेंगे ना, हमारी खटिया पर। मुखिया जी के यहाँ सुनी है कि पगला तो नहीं गई, हाथ दिलाने के लिए अंगार तो मिलता नहीं, और वह खटिया देंगे तो फिर धनिया सिखाओ तो बंदे मांग ले, उसी की आसकी बना ले। ठीक है, और पंडित जी को सीधा भी देना होगा, उसके लिए तो थाली लगेगी। हाँ तो महुए के पत्तों की बना लो, महुए के पत्ते बड़े पवित्र हैं, बड़े बड़े। अरे अरे, तो ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अतः सुन सुरी, मौन की लड़की को साथ ले जाना और साथ जी की दुकान से खरीदी सारी सामग्री ले आना। क्या क्या? पाव भर दाल, आधा पाव घी, एक सर आटा, आधा सेठ चावल, नॉन हल्दी, याद रहेगा? हाँ। बोल दो। पाव भर दाल, आधा पाव घी, आधा पाव घी, नॉन नॉन हल्दी, हल्दी, एक सेठ चावल और आधा सेठ आटा, एक सेठ चावल, आधा सेठ आटा। पत्ता के किनारे चोली रख देना और सिर्फ सुना मत। ठीक है, अब चलता हूँ। अच्छा सुनो, अभी भी बुखार से उठ गयो, कल चले जाना। मेरे को तो बहुत पहले ही चल जाना चाहिए था, इस बुखार के मारे नहीं गया। फिकर मत कर, मैं ठीक हूँ। कुछ खा के तो चल जाओ, सुबह से एक दाना भी मुंह में नहीं गया। आकर खाऊंगा, पंडित जी निकल जाएंगे। धनिया से कहो मम्मी को पत्ते लेकर आए और सब सामग्री तैयार रखना। आता हूँ। धनिया, ए धनिया, जा मम्मा के पत्ते ले आ। ठीक है। सहेली, ओ सहेली, बाबू बुखार से गिरे थे। सुबह सुबह घास काटने चले गए और अभी धनिया के लिए सगाई की बात करने चले गए पंडित जी के यहाँ। धनिया की सगाई? हाँ, इस उसको भेजा था, पता नहीं अब सगाई नहीं। धनिया, ये लो महुआ के पत्ते, उधर रख दे, तू बना पाएगी? हाँ। ठीक है, रख दे, पर ठाना मत। और हम सहेली के साथ में जा रही हूँ सामग्री लेने, तू बना, चल सहेली।
भाई तू चिंता मत कर, अभी पंडित जी आ जाएंगे, सब सुधार देंगे, तो चिंता मत कर। बोलो हर हर मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, तुम्हारे भी मेरे भी आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बोलो भैया प्रसाद लो, पूरा क्या लेगा, आधा लो। आओ बैठो बैठो भैया, रखे आइयो ना। बोलो क्या समस्या तुम्हारा। पंडित जी मेरी बीवी मर गई, अब मैं क्या करूं। तुम आगे अपना जी दुखाते हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है, जैसे एक व्यक्ति अपना पुराने कपड़े छोड़ के नए कपड़े धारण करता है, वैसे ही एक आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण करती है। तुम्हारी लड़की मरी जरूर होगी, लेकिन उसकी आत्मा अभी जीवित है। धन्य है महाराज, बड़ी शांति मिली मुझे। तुम अभी जवान हो तो अभी दूसरा विवाह कर सकते हो। पंडित जी को देख लो, इनकी तीन शादियां हुई है। क्या हुआ, घर से गए तो हमारी तीन शादियां हो गई है। शास्त्रों में कहां लिखा है कि हम दूसरा विवाह नहीं कर सकते। पहले विवाह किया तो पहली बीवी 7 वर्ष में परलोक से धार गई, फिर हमने सोचा चलो दूसरा विवाह। दूसरा विवाह किया, 1 वर्ष में सांप ने डस लिया। सांप ने ऐसा टंके में काटा, ऐसा टंके में काटा, ऐसा टंके में काटा, तीन घंटे महाराज। कौन है? दुखी महाराज। आए दुखी, मेरा नाम दुखी है महाराज। आए क्या है? बिटिया की सगाई कर रहा हूँ महाराज। आप चले चलते और उसका साहिल से कुछ विचार देते। अभी चलूं? आपकी सेवा की सब सामग्री तैयार करके आया हूँ महाराज। ये सब छोड़ो, भूसा उधर रखो, झाड़ू उधर पड़ा है। जी महाराज। उसे ले लो और बरामदा साफ कर दो। जी। जल्दी करो जल्दी। क्या कर रहे हो? जा यहाँ से। फिर हो जाएगी। बोलो कहाँ पे हम? पंडित जी अपनी दूसरी बीवी कहीं गई। दूसरे विवाह के बाद मैंने तीसरा विवाह। इससे मैं तुम्हें यह बताना चाह रहा हूँ, चाहे तो मैं तुम्हारे अपने तुम्हें कितना भी धोखा दे, चाहे वो छोड़ के भी चले जाए, लेकिन तुम्हारी जिंदगी चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। समझे? झाड़ू लगा दी महाराज। हाँ जल्दी महाराज। ऐसा कर, उधर भूसा लगा है। क्या लगा है? भूसा। उसे भूसे भी बना। और ये लगा महाराज। जा जल्दी फटाफट। जी जी। बस सुन तो क्या? जी जी महाराज। इसके बाद लकड़ी चीर देना। ठीक ठीक है। जल्दी जाओ। बोलो यहाँ तक बीत गई। पंडित का धर्म होता है कि वह विवाह करे और संतान उत्पन्न करे। तुम्हारे पहली शादी से लड़का हुआ? नहीं। ऐसा करो, जाके दूसरी शादी करो, उसे संतान उत्पन्न करो और लड़का होना चाहिए महाराज। तुलाई का है महाराज। तुलाई? मैं भूसा कहाँ रखा था महाराज? वहां पर। यहाँ पे पुलाड़ी नहीं पड़ी थी? नहीं महाराज। आंखें खोलो आंखें। जाओ लकड़ी चीरो तुम। जाओ जाओ बन चलो। जाओ बन चलो। तो फिर बेकार में क्यों मेहनत कर रहे हो?
पंडित जी का आदेश है, उनको घर ले जाना है बिटिया की सगाई करने। अब काटना तो पड़ेगा ही ना, इसलिए उन्होंने तुम्हें लकड़ी पकड़ा दी चीरने के लिए। चीर तो मैं देता, पर सुबह से कुछ खाया ही नहीं है, सोचा पंडित जी को ले जाऊंगा। तो क्या तुम्हें खाना भी नहीं दे सकते? भले ही पैसे ना दे, जाके कहो उनसे। खाना कैसे मुझसे मांगू, घर चले चले यही क्या काम है? तो फिर चलाओ कुल्हाड़ी, चलाओ कुल्हाड़ी। अच्छा भाया, भीड़ी नहीं है तेरे पास? पर ऐसी बात है, मेरे में धम नहीं है, ये मत सोचना, बस खाना ले ले भाई। ये माचिस तो नहीं है मेरे पास, लेकर ठीक है चलो मैं कार्ड फिर लौटते समय में फिर मैं लूंगा तेरे को।
जल्दी काट, समय नहीं है दुखिया, जल्दी काट, जल्दी काट दुखिया, जल्दी काट दुखिया, जल्दी काट। तू इसके लिए पैदा हुआ है दुखिया, देखो ये नहीं आएगा तो क्या आएगा। काट जोर से, काट काट जब तक फट ना जाए दुखिया, काट 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 काट। मम्मी मम्मी मम्मी, समर मर गया, समर मर गया। मम्मी नाच बोल क्या, मर गया समर। मेरे सोने क्या तू किया, सोने के लिए आया तू इधर वापस हो गया
जी, अभी तक इसे उठाया क्यों नहीं है? ये मुर्दा हमारे चौपाटी पे अभी तक क्या कर रहा है जी? बदबू नहीं आ रही क्या तुम्हें? वो नहीं उठाएंगे तो क्या हम उठाएंगे? कह दिया था ना इस मुर्दे को हम हाथ तक नहीं लाएंगे। मैंने बोल दिया, मेरी बात ही नहीं सुन रहे। मुझे कुछ नहीं पता है, पानी चाहिए, इस चौपाटी के बाहर नहीं जाऊंगी जब तक ये मुर्दा नहीं उठाता। जल्दी उठवाओ। मेरे ऊपर मत चला, तुम भी जाके बात कर लो। क्या कहूँ इन गांव वालों से, उठा लो अपने मुर्दे को। चमार था, मर गया। तुम बीच में बोलते हो एक तो, हमारा समय बर्बाद मत करो, जल्दी उठाओ इसे। हमारा पानी ज्यादा जरूरी है, जल्दी उठाओ इसे। गाँव में लगे बोलते रहे जल्दी उठाओ। गाँव में क्या करो, घर का बच्चा है देख लो। निकलो घर, निकलो अपने। थोड़ा थोड़ा भर करो इतना जल्दी। बदबू में ही मर जाएंगे हम तो। तुम भी इसको बदल सकते हो। आओ साथ में अच्छा दिन लाए।